हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आई हूं। मैंने पहले भी से वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट करने मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तो क्वेश्चन हो गए थे, 61 क्वेश्चन लेते हैं। अंकटाड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? वाशिंगटन डीसी इन 1947, जिनेवा इन 1958, न्यूयॉर्क इन 1964, जनेवा इन 1964। तो अंकटाड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? जनेवा 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात माल वितरित करने में मदद करता है। डैश हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सपोर्ट गुड्स ओनली थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, कोऑपरेटिव, कैनलाइजिंग एजेंसीज, कस्टम्स ऑफिशियल्स, कंसोर्टियम्स। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जो माल का निर्यात को वितरित करने में मदद करती हैं वो हो जाएंगी कैनलाइजिंग एजेंसीज, समझ लीजिए मध्यस्थ की तरह कार्य करती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात विपणन में लॉजिस्टिक्स डैश को कवर नहीं करता है। लॉजिस्टिक्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग डज नॉट कवर डैश एस्पेक्ट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निर्यात विपणन में जो लॉजिस्टिक्स होता है, यानी कि संभार तंत्र जिसे बोलते हैं, जब जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, वो लॉजिस्टिक्स का कार्य हो जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है जो लॉजिस्टिक्स को कवर नहीं करती है। पैकेजिंग को कवर करेगी, ढंग से पैकेजिंग होगी तभी सही ढंग से हमारा सामान अच्छे तरह से, कोई टूट फूट नहीं होगी, किसी भी तरीके से कोई भी क्षति नहीं होगी, आराम से पहुँच पाएगा। भंडारण करना, जाहिर सी बात है जो भी हमें सामान एक तरह से दूसरा पहुँचाना है तो उनको क्या करता है, स्टोरेज की व्यवस्था, वेयरहाउसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग, सामग्री को वहन करना, उसमें विज्ञापन जो है आपका एडवर्टाइजिंग वो नहीं आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश निर्यात व्यवसाय में वित्तीय जोखिमों को कवर करता है। डैश कवर्स फाइनेंशियल रिस्क इन एक्सपोर्ट बिजनेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग। तो यहाँ पर जो आपका बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, आपको पता ही होगा इंश्योरेंस क्या होता है, आपने नॉर्मली सुना ही होगा इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, इसी तरह से और भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो निर्यात व्यवसाय में जो वित्तीय जोखिम को कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंश्योरेंस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो क्या होता है, उस सामान का इंश्योरेंस होता है, जिससे कि अगर किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचती है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उसको कवर कर सके, जिससे कि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से निर्यातकों को डैश में सहायता मिलती है। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस हेल्प द एक्सपोर्टर्स इन डैश, बाइंग इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ जो लगती हैं, आपने सुना ही होगा व्यापारिक मेलों के बारे में, प्रदर्शनियों के बारे में, कि एग्जीबिशंस लगती हैं या ट्रेड फेयर्स लगते हैं, नेशनल भी लगते हैं और इंटरनेशनल भी लगते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हिस्सा लेती हैं। तो वहीं पूछ रहा है आपसे कि ये किस तरह निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, कि आयात उत्पाद खरीदना, निर्यात उत्पादों को बढ़ावा देना, नए बाजारों की खोज, नए उत्पादों का विकास। तो यहाँ पर जो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं इसमें हेल्प करता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, नई की कंपनीज आती हैं, अपने आपके प्रोडक्ट्स को देखती हैं और वो क्या करती हैं, आपको ऑर्डर देती हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए, जिससे कि क्या होता है उस प्रोडक्ट को बना करके आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टैरिफ का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वॉलरम टैरिफ, ए एंड बी बोथ, नन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैरिफ का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक टैरिफ और एड वॉलरम टैरिफ दे रखा है, दोनों ही क्या हैं, टैरिफ के प्रकार हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ई आर का अर्थ है? वी ई आर स्टैंड्स फॉर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेट, वेटिकन एक्सपोर्ट रेट, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स,
वेटिकन एक्सपोर्ट रेस्टेंट। स्नैप VAR जो है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। VAR की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक यहाँ का मात्रात्मक प्रतिबंध हो जाता है, जो वस्तुओं सेवाओं के जो भी एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री उस पर प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने जो व्यापारिक बाधाएं पढ़ी थी कि जो जो भी ट्रेड आपके बैरियर्स होते हैं उसी में से एक ये भी आपका हो जाता है स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग इज ए फॉर्म ऑफ टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स बोथ ए एंड बी नन। तो लाइसेंसिंग होती है एक तरह की आपकी गैर टैरिफ बाधा है नॉन टैरिफ बैरियर्स से। लाइसेंसिंग में ये रहता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही होती है तो वहाँ पर अगर आपको लाइसेंस होता है किसी दूसरे देश में जाकर के व्यवसाय करने का, तो उससे आप वहाँ पर वस्तुओं का निर्माण करने, वहाँ पर वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करने। आपको पता होगा कि कभी कभी कुछ वस्तुएं जो हम बना करके जाकर के दूसरे देश में क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं क्या करती हैं उस देश में अपनी यूनिट्स को खोलती हैं और साथ ही वहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है। लाइसेंसिंग होती क्या है तो ये गैर टैरिफ बाधा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। डैश इज टर्म्ड एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, फ्री ट्रेड, नो ट्रेड। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो अंतर्मुखी व्यापार रणनीति होगी उसे क्या कहा जाता है, और उसे और कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अच्छा, आयात प्रतिस्थापन होता क्या है? तो जिन वस्तुओं का हम विदेश से क्या कर रहे हैं आयात कर रहे हैं अपने देश में, तो कोशिश की जाती है कि उन वस्तुओं को हम स्वयं ही अपने देश में बनाएं। तो उससे ये होता है कि जो आपके घरेलू उद्योग हैं उनको भी प्रमोशन उनका भी होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी क्या होता है अवसर मिलते हैं अपनी वस्तुओं को बनाने के और आगे बढ़ने के। तो यही हो जाता है आपका आयात प्रतिस्थापन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड? मिनिमम यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, हार्मोनियस ग्लोबल रिलेशन, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, इंक्रीज GDP। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो मुक्त व्यापार हो रहा है, जो फ्री ट्रेड जोन मना दिया जाता है, तो वहाँ पर उसका क्या लाभ होता है? वैश्विक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, सामंजस्यपूर्ण वैश्विक संबंध, प्रतियोगिता की भावना, GDP में वृद्धि। तो यहाँ पर सामंजस्यपूर्ण वैश्विक संबंध भी बनते हैं, प्रतियोगिता की भावना भी आती है, कंपटीशन भी आता है। नॉर्मल सी बात देख लीजिए कि अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो एक कंपनी जो भी मोबाइल ला रही है सेम वैसे ही उसी फीचर्स में के साथ उतने ही रेट में आपको क्या होता है उससे कम रेट में बल्कि दूसरी कंपनी भी फौरन अपना मोबाइल क्या करती है लॉन्च करती है, जिससे कि कंपटीशन आपस में एक दूसरे के साथ लगा रहता है। GDP में वृद्धि सहज सी बात है, जब आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा GDP भी जो है आपकी वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो मुक्त व्यापार का लाभ नहीं है ये आपको जो दे रखा है वैश्विक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी मुक्त व्यापार की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर वैश्विक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है, ना कि न्यूनतम होता है बल्कि मैक्सिमम होता है। तो करेक्ट आंसर है जो लाभ नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।